आग के फूल वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत ही सेक्रेट माने जाते हैं, तो कहते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल उनको दिखा है ऐसा करने से। पेन के लिए ट्राई कीजिएगा, पेन नहीं होता, दैट इज फॉर श्योर। थोट का टाइम, सो कुछ ज़्यादा साइंटिफिक बैकअप नहीं है जो मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ, लेकिन सेंचुरीज से यूज़ किया जाता है हिमाचल के घरों में, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे फॉरेस्ट है, या फिर लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमें नेचुरली ठीक होना है। मैंने बहुत सारी ऐसी दादी नानी बहुत सारे लोग देखे हैं गाँव में, वो लोग जैसे हम लोग तो कोई ट्यूब लगाते हैं ना, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्यूब या ऑर्थोडेक्स की कोई ट्यूब जब हमें दर्द होता है, पर पहले लोग क्या करते थे और अभी भी करना चाहिए, ये है आँख के फूल। अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप कहाँ से हैं, आँख को आपके लैंग्वेज में आप क्या कहते हैं ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि इंटरेक्शन है और आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। सो हाल ही में अभी जैसे सावन आया, सावन का पहला व्रत गया, तो मैंने ये वाले फूल शिव जी पे चढ़ाए, भोलेनाथ पे, कहा जाता है उनको ये वाले फूल बहुत पसंद है, आँख के फूल। आँख के फूल वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत ही सेक्रेट माने जाते हैं, आँख के पौधे भी लगाए जाते हैं, वैसे तो सड़क के आसपास जंगली लगते हैं ये, पर आपको घर पे भी लगा लेने चाहिए अगर आपको उसके बेनिफिट लगते हैं। बेसिकली जो सूर्य देवता है उनको भी ये वाले फूल बहुत पसंद है, तो सन प्रेयर्स भी इस फूल से की जाती है। सो आज मैं आपको कुछ ऐसा टोटका बता रही हूँ जिससे आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है घुटनों में, या सूजन आ जाती है कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में, चाहे वो सर्वाइकल हो या कैसा भी पेन, आपको एक ऐसा टोटका बता रहे हैं एकदम से वो आपका पेन जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और 6 दिन के अंदर अंदर ऐसा मैंने सुना है कि ख़त्म हो जाता है। साइंटिफिक बैकअप नहीं मिल पाया है मुझे, पर भाई हो सकता है कि ये काम करे, आप ट्राई करके देखिए। आँख के पत्ते, जैसे आप पौधे में से आँख के पत्ते तोड़िए, उसका जो स्मूथ साइड होता है उसमें आपने एक दर्द वाला जो तेल आप बनाएंगे, चाहे वो अलसी का तेल हो या अलसी के तेल में, या फिर कई लोग मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में लहसुन और मेथी दाना को पका के, कड़ी पत्ता को पका के ऐसा तेल भी बनाते हैं दर्द के लिए। आप वैसा भी तेल बना सकते हैं, उसमें आप हल्दी को भी पका सकते हैं। ऐसे तेल को बना के आप आँख के जो पत्ते होते हैं स्मूथ साइड पे, आप उसमें तेल लगाइए, आपको जहाँ पे भी पेन हो रहा है आपके नीज़ में या कहीं पर, आप उसको बांध लीजिए कपड़े से, तेल लगाकर अपने घुटने पे बांध लीजिए। इन्फ्लेमेशन तो ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है, दर्द वो आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। हाँ, उसके अलावा मैंने और भी चीज़ नोटिस की है, कई लोग आग के फ्लावर्स को पीते हैं एस्थमा क्योर करने के लिए, पर उसके लिए आई एम नॉट श्योर क्योंकि साइंटिफिक बैकअप नहीं है, बट स्टिल अगेन आई हैव सीन मैनी पीपल इन विलेज या फिर ट्राइब्स, कई ऐसे ट्राइबल पीपल भी हैं जो इसको यूज़ करते हैं। सो दैट वॉज इट, आँख के ऐसे बेनिफिट हैं, मेरे डायबिटिक पेशेंट कई बार इसको यूज़ करते हैं, इसका पत्ता अपने सोल में, पैरों के सोल में बांध कर रात भर सॉक्स पहन के सो जाते हैं, एडिमा सॉक्स जो आजकल मार्केट में आती हैं, तो कहते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल उनको दिखा है ऐसा करने से। सो एक जो चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ, ये आँख वाला पेन के लिए ट्राई कीजिएगा, पेन नहीं होता, दैट इज़ फॉर श्योर। राइट, कैसा लगा टोटका, आँख के बारे में आपको पता था या नहीं, अगर आपको कोई और नॉलेज है आँख के बारे में तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।